हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे एम्पटी प्रोडक्ट्स को, बिकॉज़ आप लोग बहुत दिन से जानना चाह रहे थे कि जो चीज़ें मैं परचेज करती हूँ क्या मैं वो यूज़ करती हूँ। और पहले ना मैं क्या करती थी, यूज़ करने के बाद जो बॉक्स खाली होता था उसको फेंक देती थी, और फिर सडनली आपके इतने ज़्यादा मैसेजेस आने लगे जिस वजह से मुझे लगा कि कुछ एम्पटीज़ को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी। आप इन सभी प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल रिव्यू मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी भी कि इन प्रोडक्ट्स में से आप कौन से प्रोडक्ट मैं आपको हाईली मैंने रेकमेंड किए हैं या फिर मैं किन्हें ज़्यादा परचेज करती हूँ, रीपरचेज करती हूँ, बिकॉज इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैंने रीपरचेज किए हैं और इसमें उनके सिंगल कंटेनर ही हैं खाली, क्योंकि मैंने पहले फेंक दिए थे। बट चलिए अब मैं दिखा देती हूँ। मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरा कोई पार्लर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किन किन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। ये है मेरा बायोटिक हनी फेस वॉश, ये बिल्कुल खाली है। ये पपाया फेस वॉश है और इसका बड़ा पैक यहाँ देख सकते हैं। एक मैंने एक्चुअली एक बार ये बल्क में मंगाए थे, तीन बड़े बड़े, और दो वो मैं फेंक चुकी थी, फिर तीसरा वाला मैंने रख लिया। सबसे स्टार्टिंग में मैंने यही मंगवाया था, ये पड़ा हुआ था मेरे पास। और ये है पाइनएप्पल, जो बिल्कुल खाली है, और आप ये देख रहे हैं, सॉरी, पतंजलि के जो कंडीशनर हैं ये बिल्कुल खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो ये बिल्कुल खाली हैं। और ये है डाबर गुलाबरी का बिल्कुल ब्लैंक बॉक्स, वेट अ मिनट, और आपको मैं दिखा देती हूँ आराम से। ये है जीवा रोज वाटर, जो बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ करती हूँ, ये बिल्कुल खाली डब्बा है। एंड इधर श्रीश्री का गुलाब जल है, ये भी खाली हो चुका है। पतंजलि का दिव्य गुलाब जल, ये भी खाली हो चुका है कंटेनर। ये है गुलाबरी, और इधर आप देख रहे हैं गार्नियर रेंज के शैम्पू एंड कंडीशनर्स, इन सब के रिव्यू मैंने इंडिविजुअल किए हैं। ये बिल्कुल खाली हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल खाली हैं। और मैंने यहाँ टब भी रखा हुआ है पास में, बिकॉज मैं इसमें भर करके लेकर के आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैंने इनको इस तरीके से फैलाया है जिससे कि आपको मैं डिटेल में इन्हें दिखा सकूँ। साथ ही आप देख सकते हैं ये हैं मेरे हिमालय के फेस वॉशेज, जो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। इधर हिमालय के फ्रेश स्टार्ट जो न्यू लॉन्च थे फेस वॉशेज, ये हैं। और इधर वादी हर्बल्स का ये नीम फेस वॉश है, जो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। ये तो मैंने चार मंगाए थे एक साथ, और लास्ट वाला पैक ही मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर ये गार्नियर का मिजलर वाटर पूरा फिनिश हो चुका है, लैक्मे एब्सोल्यूट फाउंडेशन, सॉरी, फेस वॉश बिल्कुल खाली हो गया है। ये नीम फेस वॉश है जिसका रिव्यू मैंने किया है, ये बिल्कुल खाली है। और ये है निविया का शार जेल, और ये है क्लीन एंड क्लियर के ब्राइट फेस वॉश और फोमिंग फेस वॉश। इनका रिव्यू मैंने बहुत टाइम पहले किया था, लेकिन अपलोड इसको मैंने कुछ दिन पहले ही किया कंपैरिजन वीडियो को, और ये मैं रीपर्चेज करती रहती हूँ। और साथ ही आप मोरक्कन OGX का जो मोरक्कन सेरम है, ये यहाँ देख सकते हैं खाली है। बियर का शैम्पू खाली है, सीरी एक्सपर्ट का सेरम बिल्कुल खाली है, लिवर आयुष का फेस वॉश बिल्कुल ब्लैंक है। ये है बॉडी शॉप के स्ट्रॉबेरी शैम्पू एंड कंडीशनर। उधर मैं आपको बता दूँ, वो है कलर बार की हैंड क्रीम, जो कि बिल्कुल खाली है। मैं आपको भी ओपन करके दिखाती हूँ दोस्तों, और इसको ना मैं बार 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 रीपर्चेज करती रहती हूँ। ये देखिए, इसमें से कुछ नहीं आ रहा है। जेन्युइनली मैं यूज़ करती हूँ ये कलर बार का रोज़ मिस्ट है, पिंपल क्लियरिंग फेस वॉश है। एंड ये है 9 to 5 के प्राइमर मैट पाउडर फाउंडेशन, बिल्कुल खाली है। लैक्मे एब्सोल्यूट का फाउंडेशन खाली हो चुका है, पीच मिल्क तीन खाली हो चुकी हैं, और दो एब्सोल्यूट फाउंडेशन जो हैं वो बिल्कुल खाली है दोस्तों। और ये आगे हिमालय का टोनर और बॉडी शॉप के ये इधर आप शार जेल देख सकते हो, ये बिल्कुल खाली कंटेनर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। एंड साथ ही आप लोटस का टोनर, निविया का जो शार जेल है ग्रीन वाला, ये BLCC का फेस वॉश है ये। एंड ये है ब्रिटिश रोज का डिब्बा, खाली डिब्बा, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, वन सेकेंड। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल खाली हो चुका है। इसमें रेड शेड में आता है ब्रिटिश रोज स्क्रब जो आता है, और ये आप देख पा रहे होंगे ये है बिल्कुल खाली। ये प्राइमर मैट के दोनों कॉम्पैक्ट हैं, जिनमें नीचे ये स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज तो हर किसी में मिलता ही है, हर एक कॉम्पैक्ट में दोस्तों। और इधर एब्सोल्यूट का है, ये है रोज़ पाउडर का बिल्कुल खाली डब्बा,
तो ये मेरे सारे एम्पटी प्रोडक्ट है दोस्तों, और मुझे आपसे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउडली मैं बता रही हूँ आपको कि ये सारे प्रोडक्ट मेरे हैं, मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, मैं खुद के लिए ख़रीदती हूँ। एंड ये रेवलॉन का फेस वॉश है, थिंक स्किन का बॉडी वॉश है, उधर आप देख पा रहे होंगे, और एब्सोल्यूट के दोनों मैं दिखा देती हूँ। और अब आप देखिए, मैंने आपको दिखाया ये लैक्मे एब्सोल्यूट के बिल्कुल खाली बॉटल हैं, साथ ही इसका टेस्टर जो आया था नायका से वो फिनिश हो चुका है, बिकॉज़ मैं एवरी डे मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। ये पीच मिल के 3 कंटेनर बिल्कुल खाली हैं, और उधर आप लोटस का ब्लश देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मेरी ही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये बायोटिक का बायो फ्रूट वाइटनिंग डीपिगमेंटेशन फेस पैक, और ये भी बिल्कुल खाली है, ये देखिए ये बिल्कुल खाली है, और इसके किनारे किनारे थोड़ा सा बचा है, और बहुत कम प्रोडक्ट लगा हुआ है इसमें, सूख गया है अब ये। सो कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूँगी, आप सीरी एक्सपर्ट ज़रूर ट्राई करिएगा, मोरक्कन OGX ट्राई ज़रूर करिएगा, वादी हर्बल्स का नीम फेस वॉश बहुत अच्छा है, मिजलर ऑयल बहुत अच्छा है, ओवरऑल ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और बायोटिक ले लो या हिमालया या फिर हो बॉडी शॉप, सभी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कलबार के और लोटस के प्रोडक्ट्स तो वाह बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। आप देख सकते हो काम आयुर्वेदा का रोज वाटर बॉटल बिल्कुल खाली हो चुका है, और मेरे पास उसमें के कम से कम 4 मैं परचेज कर चुकी हूँ, ये 4th है, और मैं यही वाला लेती हूँ 250 वाला पैक। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये वादी हर्बल्स के शार्जल, अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल भी, ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो ये मेरे सारे खाली कंटेनर हैं, तो इसके लिए मैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको ये सब दिखाते हुए एम्पटी प्रोडक्ट्स को। एंड ये हैं कुछ 3-4 महीने के प्रोडक्ट्स जो मेरे एम्पटी प्रोडक्ट हैं, और कुछ मैंने हटा दिए, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसी कोई वीडियो बना करके एक प्रूफ टाइप का देना पड़ेगा, तो अच्छा लग रहा है। और आगे भी जो प्रोडक्ट्स ब्लैंक होते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, और ये मुझे एक अच्छा लग गया है, एक मैं ब्लैंक सीरी बनाऊंगी। तो उस सीरी की जो फर्स्ट वीडियो है वो ये है, ब्लैंक सीरी, या फिर आप बोल सकते हो कि माय एम्प्टी प्रोडक्ट्स सीरी नंबर सीरीज में से वीडियो नंबर 1 या पार्ट 1, आप कुछ भी कह सकते हो दोस्तों। तो ओवरऑल इन सभी के इंडिविजुअल रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख लीजिए, एंड आई होप कि आपको इससे अच्छा लग रहा होगा, ट्रस्ट लग रहा होगा मुझ पर। रही बात मेकअप प्रोडक्ट्स की, तो वो इतनी जल्दी खर्च नहीं होते हैं, वो जैसे जैसे खर्च हो गए हैं लेकिन कम कम खर्च हुए हैं अभी, तो जितना ज़्यादा चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अगर आपको अभी भी कोई और डाउट हो तो आप लिख करके पूछ लीजिएगा, और मेरा कोई पार्लर नहीं है। रही बात इनको मैंने कैसे इस्तेमाल किया है 4-5-6 महीने में, जितने भी टाइम में मैंने इन्हें मंगाया है अप्रैल से और अब तक, तो दोस्तों बिल्कुल ये आराम से मैंने इन्हें यूज़ किया है। प्लस शैम्पू तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है एवरीडे, फेस वॉश भी, बॉडी वॉश भी, और रोज़ वाटर भी, तो और टोनर्स भी, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप रोज़ यूज़ नहीं कर सकते। दिन में 2 बार भी यूज़ करेंगे तब भी अच्छा खासा खर्च हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट्स हैं आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी, और मेकअप प्रोडक्ट्स भी दिखाऊँगी आपको। तो आई होप कि आप बोर ना होते हुए आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और आप मेरे अनदर चैनल रारा लाइफस्टाइल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो बॉडी शॉप का जो अर्गन ऑयल है, अर्गन ऑयल का जो बॉडी स्क्रब है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और उसका कंटेनर मैं फेंक चुकी हूँ, लेकिन उसका यूज़फुल रिव्यू आप मेरे चैनल पर बिल्कुल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी जो वीडियो है, जो मैंने आज एक डिफरेंट सी वीडियो बनाई है स्पेशली आप सबके लिए, वो आपको कैसी लगी दोस्तों। बाय बाय।